डिलीवरी से पहले दीपिका की ये ख्वाहिश रह गई अधूरी। खुद शोएब ने ब्लॉग के जरिए बताई ख्वाहिश, वेल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर पेरेंट्स बन गए हैं। उनके घर 21 जून को नन्हे शहजादे ने जन्म लिया है। जी हाँ, शोएब के बर्थडे नाइट के बाद ही रात को दीपिका को लेबर पेन शुरू हुआ और उसके बाद उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल लेकर जाना पड़ा, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें देखते ही उनकी डिलीवरी करवा दी। बेबी प्री मेच्योर हुआ है, उसे फिलहाल अभी NICU में रखा गया है। अब शोएब ने व्लॉग शेयर करके दीपिका और बेबी के हेल्थ अपडेट तो दिए हैं, साथ ही साथ उन्होंने उस रात का वाकया भी शेयर किया। शोएब ने बताया कि हम डिनर करके घर पर लौटे थे और उसके बाद ही दीपिका को पेन शुरू हो गया। रात के तकरीबन 3 बजे उसे लेबर पेन होने लगा और हमने डॉक्टर को कॉल किया और उसके बाद हम दीपिका को लेकर जाने लगे। गाड़ी में दीपिका जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि शोएब हमारा शूटिंग तो फिलहाल रह गया। दीपिका ने फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि हम मैटरनिटी शूट करने वाले हैं, हमने कपड़े भी ले लिए थे और हमारा शूटिंग 24 तारीख को होने वाला था। सब कुछ फाइनल हो गया था, हमारे फोटोग्राफर्स भी फाइनल हो गए थे, यहाँ तक कि हमारी ड्रेस भी फाइनल हो गई थी और एंड वक्त पर बेबी आ गया। मैं बहुत टाइम पहले से भी बोल रही थी कि मुझे फ़ोटो शूट करवाना है, पर मेरा फ़ोटो शूट नहीं हो पाया, शायद बेबी को बहुत जल्दी थी। आपको बता दें कि शोएब और दीपिका को लेकर कई बार ये सवाल भी उठे हैं कि आखिर शोएब का परिवार दीपिका का बेबी शावर क्यों नहीं करा रहा है। इस पर एक इंटरव्यू में खुद दीपिका ने भी क्लियर किया था कि मुझे बेबी शावर नहीं कराना है, लेकिन हाँ, मैं मैटरनिटी फ़ोटो शूट ज़रूर कराना चाहती हूँ। यह हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर मेरा मन बदल जाए और मैं शोएब को बोल दूं कि ऐसी ही फ़ोटो खींच कर डाल देते हैं। बल आखिरकार दीपिका की ये ख्वाहिश वाकई अधूरी रह गई, क्योंकि उनके बेबी को शायद आने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। आपको बता दें कि दीपिका और शोएब ने फिलहाल बेबी का नाम डिसाइड कर दिया है, पर अभी वो बेबी को छोटू ही कहकर पुकार रहे हैं। दीपिका का बेबी NICU में है और उसे अभी कुछ दिन वहाँ इनक्यूबेटर में रखा जाएगा ताकि उसकी हेल्थ की पूरी मॉनिटरिंग की जा सके। बेबी प्री मेच्योर हुआ है, इसलिए उसे कुछ दिन तक केयर की ज़रूरत होती है। ऐसे में जहां दीपिका के बारे में शोएब ने ये भी कहा था कि वो डिलीवरी के दूसरे दिन से ही चलने भी लगी थी और बेबी से भी जाकर मिलकर आती थी। दीपिका की फास्ट रिकवरी को देखकर डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। उन्होंने दीपिका को तीसरे दिन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था, पर हम घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा बेटा अभी भी NICU में है, कि घर से हॉस्पिटल काफ़ी दूर हो जाएगा और इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो जितने दिन भी हो हॉस्पिटल में रहेंगे और बेबी को साथ लेकर ही वो घर जाएंगे। बल क्या कहना है आपका दीपिका के बेबी बॉय पर, हमें कॉमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएँ।